शरीर के अंदर एक मैग्नेटिक पावर होता है, और अगर हमारा मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा है तो हमारे साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाएंगे। अगर हम में लीडरशिप गुण है, अगर हम में बोलने की कला है, अगर हम साफ सुथरे रहते हैं, अगर हम लोगों से मिलनसार हैं, अच्छे हैं, तो हमारा एक टीम बन जाता है। अब इसमें होता क्या है, एक लड़का है जो देखते होंगे इंटर करता है, और वो थोड़ा सा उसका माइंड गड़बड़ है, लेकिन उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत तागड़ा, और वो लड़के को लड़कियों को छेड़ने में मजा आता है, लेकिन उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा। तो देखेंगे धनेश्वर घाट में वो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो जाए वो लड़का खड़ा रहेगा और साथ पांच को खड़ा रहेगा, हाँ या ना, रहता है कि नहीं रहता। इस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड का लड़का हुआ। एक दूसरा लड़का देखेंगे कि एक लड़का जो है देखेंगे कि बहुत तेज है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, उसका दिमाग जो है झगड़ालू है, उसका दिमाग क्या है झगड़ालू है, वो कहीं पे जैसे ही कुछ लड़ाई होता है वो एकदम शुरू हो जाता है, तो देखेंगे उसके साथ पांच गो और शुरू हो जाता है। वो पांच लोग कौन लोग होते हैं, पांच लोग वो होते हैं जिन्होंने अपना मैग्नेटिक पावर रिचार्ज बढ़िया से नहीं किया है, हमेशा वो दूसरे के रिचार्ज पे लटके चलते हैं। ऐसा ही होगा जैसे कभी कदाल कुछ अच्छे लड़के होते हैं जो पढ़ने में बहुत तेज होते, बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, तो देखना उनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत तागड़ा रहेगा। तो कुछ लोग जो रहेंगे जिनका मैग्नेटिक फील्ड तागड़ा नहीं रहता, उनके संपर्क में आते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं और उनका एक टोली बन जाता है, और जैसे ही वो लड़का सक्सेस करता है नीचे देखा देखी वो लोग भी क्या कर जाते हैं, सक्सेस कर जाते हैं, हाँ या ना। उसी तरीके से लड़के लड़कियों में, खासकर सर आपका तो इसका एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा होगा, कि मान लिया सरन सर के यहाँ, चाहे वो सर के यहाँ, चाहे मेरे यहाँ कभी पढ़ने आए, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ बैठे हुए और ऐसे ही बैठा हुआ है, अब पहला बैच मान लिया स्टार्ट हुआ, और बैच में संख्या फूल नहीं रहा, बैच में संख्या फूल नहीं रहा, अब बैठा कुछ बेंच खाली रहा, तो जिसका मैग्नेटिक फील्ड अगर तगड़ा है उसका मुंह पे चुप है, अच्छा लेकिन क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वाला लड़का को समझ में आया कि भीड़ नहीं है, और जैसे ही कहा तो पांच को कहा हूँ, देखो कहा हूँ, रियली है एकदम 100%। अपने अनुसार नहीं जीते हैं आप, हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड आपका तागड़ा होता है उसी के अनुसार। और देखिए होता क्या है, संगति, बार बार संगति पे आज थोड़ा सा चल जाते हैं, संगति पे बताएं तो संगति पे ही चले जाते हैं। हम क्यों बनाते हैं सर के साथ दोस्ती, हम क्यों बनाते हैं वो मैनेजर साहब के दोस्ती, हम क्यों बनाते हैं डॉक्टर साहब के साथ दोस्ती, डॉक्टर प्रभाकर से दोस्ती, उसका लॉजिक जरा सा देखिए। पहला चीज डॉक्टर प्रभाकर का देखिए, बाहर में लगा हुआ है फोर्ड, कौन सा कंपनी का गाड़ी है, कौन सा सर, फोर्ड का है, कौन सा, इको स्पोर्ट, ठीक है ना। तो डॉक्टर साहब के पास इको स्पोर्ट गाड़ी रखा हुआ है, डॉक्टर साहब के पास यहाँ बड़ा सा घर है, डॉक्टर साहब के पास काफी जमीन है, काफी पैसा, पहला संगति हम कर रहे हैं बैठ रहे हैं उधर, तो क्या उनका देखा देखिए, अगर उनके मैग्नेटिक करोड़ रुपया कमाएंगे तो देखा देखिए 50 लाख तो हम कम है। तो पहला इसीलिए संगति बनाना उन लोगों का जिनका मैग्नेटिक फील्ड उस चीज में ज्यादा है, अगर वो तुमको पाना है तो उनके संपर्क में आ जाओ, वो गुण आपके अंदर डेवलप होता है। आपका माहौल कैसा, आपकी संगति कैसा है, अभी भी बैठा हुआ लड़का होगा जिनका निगेटिव कटोरी होगा तो बीच में कहेगा चार है वाओ ये वाला कौन वाला होगा, देखो हाँ है बेटा, सराहना भी चाहिए, सब लोगों को नौकरी अगर लग गया तो भाई वैसे 10 साल आना बंद हो जाएगा, इसलिए कभी सारे लोगों को भीड़ को कभी नौकरी नहीं लगता, भीड़ को कभी सक्सेस नहीं मिलता, जब भी सक्सेस मिलता है तो चंद लोगों को मिलता है, और वो चंद लोग कौन होते हैं जिसमें मैग्नेटिक पावर होता है। अगर मैग्नेटिक पावर लड़ने का है तो लड़ लड़ के नेता बनेंगे, मैग्नेटिक पावर लड़ने का था। अगर मैग्नेटिक पावर रोने का है तो रोते रोते भी लट जाएंगे, मैग्नेटिक पावर रोने का, और 3-4 बार साथ में भी लट जाएंगे। ये सिंपल सा सिद्धांत है। तो माइंड आप क्या रखना चाहते हैं, भगवान ने दोनों चीज दिया है, धरती पे हम एक चीज बोलेंगे आप दूसरा चीज बोलिएगा, हम आपको पॉजिटिव बोलने के लिए कहेंगे हम निगेटिव बोलेंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे गुरु हैं कि हम निगेटिव बोलेंगे तो हम फिर पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन शायद आप निगेटिव बोलते बोलते निगेटिव ना हो जाएंगे। मैं बोलता हूँ सुख,
बचो थोड़ा। तो दो चीजें हैं, दो चीजों से ही धरती चलती है, दो पटरी पे ट्रेन चलता है, हमारा जिंदगी भर हमारे मम्मी पापा दो हैं, इसीलिए हम इस धरती पे। तो एवरेज लोग रिस्क लेने से डरते हैं, जैसे सर ने कहा ना कि को पायलट को मिल गया पूरा इतिहास और पायलट बेचारा वही रह गया। Hold me close till I get up.